हम बात कर रहे हैं चार्ट्स के ऊपर, ग्राफ्स के ऊपर, बहुत सारी चीज करते हैं। अब इसमें हम एक चीज के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका यूज होता है। देखिए चार्ट का यूज कंपेयरिंग, चाहे जो चार्ट यूज करते हैं, सारे चार्ट का यूज कब डेटा को कंपेयर करने के लिए होता है। अब जैसे कि आपके सामने मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया हुआ है, अब इसमें आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से महीने का डेटा बड़ा है और कौन से महीने का डेटा छोटा है, इजीली पता कर सकते हैं क्या? हाँ सर, लेकिन अगर हम बात करें इसको, अगर हम कर देते हैं करोड़ों में, अब चलिए इसको हम यहां पे करोड़ों, सॉरी ज्यादा, अभी नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कॉलम को, ठीक है। अब क्या लग रहा है, आप पता कर पाएंगे कि कौन से महीने का सेल्स कौन सबसे ज्यादा है? नहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि डिजिट ज्यादा है ना। और जी हाँ, क्योंकि हम दोनों में कंपेयर नहीं कर पा रहे, काफी ज्यादा डिजिट है तो कंपेयर करना मुश्किल है। इसी काम को करता है हमारा चार्ट। जब हम इंसर्ट में जाते हैं, चार्ट्स को लगाते हैं, तो ये देखिए सिंपली हमें पता चल रहा है कि जनवरी मार्च जून हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा जनवरी है, जून है, फिर आपका मार्च है, और सबसे कम आपका फरवरी है। आप देख के बता दिए ना सर। हाँ सर, तो इसी को हम चार्ट्स, इसीलिए हम चार्ट यूज करते हैं। और चार्ट आज से यूज नहीं हो रहा है, वो हजारों लाखों साल तक नहीं, बस हजारों सालों से यूज हो रहा है। हमारे पहले के जो रूरल थे उनकी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रोंग होती नहीं थी, तो वो लोग जो है इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, अब बात होते हैं कि जब हम चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट के कुछ एलिमेंट को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ आपके सामने प्लस का साइन आता है कि इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि चार्ट का लेबल ऐड करना चाहते हैं, डेटा टेबल ऐड करना चाहते हैं, एरर बार है, लेजेंड है, ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से प्लस करके इस चार्ट के अंदर ऐड कर दूसरा आता है फॉर्मेट डिजाइन। इस चार्ट पे इतने तरह के डिजाइन आपके एक्सेल ने आपको सजेस्ट किया है, आप इसको सेलेक्ट करें एंड अप्लाई करें, पहला। उसके बाद आता है फिल्टर, कि मुझे कोई चीज नहीं देखना, जैसे मैं चाहता हूं कि मार्च और जून का सेल ना दिखे, तो सेलेक्ट करके अप्लाई करूंगा तो मार्च और जून का सेल नहीं दिखेगा, यहां से हाइड। ओके, ओके ये चीजें यहां से लगा सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप चार्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आपके सामने दो चीजें, चार्ट के डिजाइन और फॉर्मेट, दो नए मेनू बार आ जाते हैं। जब चार्ट डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो वही आपके यहाँ पे चार्ट के डिजाइन है, ये आपके लेआउट है, अपना चार्ट का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफॉल्ट कलर है, डिफॉल्ट कलर चूज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, डेटा टाइप चेंज, डेटा टाइप चार्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं, कॉलम नहीं मुझे रो चाहिए, चाहे कुछ और चार्ट चाहिए, जैसे मैंने सेलेक्ट करके ओके कर दिया इस चार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह से चार्ट के टाइप वगैरह चेंज कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जब इसके चार्ट के जो पार्ट है उन पार्ट को समझिए, चार्ट के कई पार्ट होते हैं। पहला होता है चार्ट एरिया, जो चार्ट का स्ट्रक्चर जमीन कह सकते हैं, जिस जमीन पे टिका हुआ है उसको चार्ट एरिया कहते हैं। और राइट क्लिक करके आप देखिए फॉर्मेट चार्ट एरिया करेंगे तो यहाँ पे चार्ट एरिया की फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड फिल कर दिए, या फिर इसकी फिल करने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी वो कम कर दिया, पिक्चर वगैरह यहाँ पे ऐड कर दिया वगैरह वगैरह, आप यहाँ से कर सकते हैं। नो फिल, कोई फिल नहीं होगा, सॉलिड फिल में ऑटोमेटिक कर दो तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसी तरह से सर ये आता इसमें सर है,
सर इसमें ब्रीफ कस्टमाइजेशन कुछ एक्सप्लेनेशन होता है क्या? होता है, बैकग्राउंड में हम हमको अलग सा बताएंगे कुछ लेने का है बताएंगे क्या? बताएंगे आए क्लास में। अच्छा, ठीक है। अब इससे बाद आते हैं प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया के भी सेम फॉर्मेटिंग है, आप देख सकते हैं सेम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है इसको बोलते हैं आपका सीरीज। जब सीरीज इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका सीरीज आता है, और सीरीज का यहाँ पे देख सकते हैं उसका अलग फॉर्मेट है। पर सीरीज में एक यहाँ पे सीरीज ऑप्शन आ जाता है जिसमें आप यहाँ से ओवरलैप वगैरह को कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, गैप वगैरह को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये चार्ट बाई चार्ट ये चेंज होते रहता है। बाकी ये शेडो है, ग्लो है, 3D है, जो आपने नॉर्मल किसी एक इस पे किए थे वही चीज होता है। और सेम चीज यही आपका फॉर्मेट में भी आता है कि आपने चार्ट की फॉर्मेटिंग जैसे कि सैप फील, चार्ट को एक तरह से सैप समझ लेता है, और जैसे कि सैप में रेड कर दिए तो रेड हो जाएगा, तो उस तरह से फील होता है। उसके बाद आपका ये आता है एक्सिस ऑप्शन। तो फॉर्मेट एक्सिस ऑप्शन भी सेम चीजें होती है, फील है, ये आपका एक्सिस ऑप्शन है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल वगैरह चेंज कर सकते हो, टेक्स ऑप्शन है यहाँ से टेक्स का ऑप्शन वगैरह दे सकते हो क्या होना चाहिए, ठीक है ना। बट एक्सिस ऑप्शन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे से मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं। मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, मेजर क्या हो सकता है, यहाँ टिक मार कैसा होना चाहिए, लेबल कैसे होनी चाहिए, ये चीजें आप यहाँ से आप कर सकते हैं, ये आपका एक्सिस ऑप्शन में आता है। इसी में नीचे नंबर आता है। अब जैसे देखिए बहुत ज्यादा है ना, तो मैंने क्या किया 0.00 और डबल कॉमा देके और यहाँ पे लिख दिया एम, मतलब कि मिलियन, और ऐड किया तो कम आ गया ना। इस तरह की फॉर्मेटिंग वगैरह भी हम कर सकते हैं, क्लियर है। यस अब सर। ये हर चार्ट में ये अलग अलग चीजें होती है। अब बात करते हैं कि हमारे चार्ट के टाइप कितने तरह के होते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो इंसर्ट में आप इंसर्ट में जाएंगे, सबसे पहले आता है रिकमेंडेड चार्ट। आपके डेटा को देख के अपने अंदर वो एनालाइज करता है एल्गोरिथम और बताता है कि इसमें इतने तरह के चार्ट लगाए जा सकते हैं इस फॉर्मेट के। अब आपके लिए अगर जो सुटेबल है उसको ओके कर दीजिए, वो अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा कई सारे कैटेगरी है, हम कॉलम कैटेगरी में जाते हैं तो एक कॉलम चार्ट 3D कॉलम में आता है, स्टैक कॉलम 100% ऐसी 3D में, इसी तरह से आपका बार हो गया और इसी तरह से आपका 3D बार हो गया। उसी तरह से हमारे पास आता है आपका लाइन में, तो लाइन के अंदर भी आपका लाइन चार्ट, 2D लाइन चार्ट, इसके बाद 3D लाइन चार्ट विथ मार्कर, 3D लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, और ये आपका 3D एरिया चार्ट होता है, ओके। उसके बाद आता है आपका पाई चार्ट। तो पाई चार्ट, पाई ऑफ द पाई, पाई ऑफ द बार, 3D पाई, डोनट चार्ट, तो ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्री मैप चार्ट, ट्री मैप लगा सकते हैं, ये आपका स्टार बट चार्ट आता है, स्टार बट लगा सकते हैं। तो रेडार चार्ट, ये स्टार बट चार्ट और डोनट चार्ट तो सिमिलर ही होता है, बस थोड़ा शेप अलग अलग होता है। उसके बाद आता है हिस्टोग्राम, लगा सकते हैं हिस्टोग्राम, ताकि हिस्टोग्राम में क्या होगा, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, और इसके ट्रेंड लाइन की पेट्रो भी शो कर देता है। और एक चीज होती है आपकी बॉक्स चार्ट होती है। उसके अलावा इसमें बात करें तो ये आपका वाटरफॉल चार्ट होता है, ये आपका फनल चार्ट होता है। स्टॉक चार्ट के लिए स्टॉक डेटा चाहिए जिसमें हाई, लो, क्लोज, ओपन ऐसे है होना चाहिए, उस पर लगता है। सरफेस चार्ट, ये आपका सरफेस चार्ट है, तो सरफेस चार्ट के लिए भी सरफेस चार्ट का डेटा होना चाहिए। देन रेडार चार्ट है, तो रेडार चार्ट इस तरह से रेडार का फॉर्म में शो करेगा, तो रेडार चार्ट ले सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा चार्ट हो, बहुत ज़्यादा डेटा होता है, उसमें हम रेडार चार्ट वगैरह यूज करते हैं, रेडार चार्ट। उसके बाद ये होता है कॉम्बो चार्ट, दो तरह के चार्ट एक साथ लगा सकते हैं। ये आपका स्कैटर चार्ट आता है, स्कैटर विथ लाइन होता है, बबल चार्ट होता है, ये आपकी बबल चार्ट लगा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मैप, 3D मैप चार्ट, ठीक है। बट 3D मैप चार्ट यूज करने के लिए ध्यान रखिएगा आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि एक bing.com को फॉलो करता है, और आपके पास ज्योग्राफिकल डेटा होना चाहिए। और पिवट चार्ट तो वही है जो आपने फिर पढ़ा था। उसके बाद आता है 3D मैप चार्ट। तो 3D मैप चार्ट जब ओपन करेंगे तो मतलब कि एक 3D ऑप्शंस में आ जाएगा, एक अलग खुलेगा
जहां पे होता है ना, आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, ग्लोब साइट का होता है इस तरह से, देख रहे हैं आप, इस तरह का चार्ट होगा, इस पे मार्क होगा, इसमें स्किन स्किन वगैरह क्रिएट, वीडियो वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, जहां पे कोई पॉइंट करना चाहते हैं कि भाई मुझे फलाने जगह पे पॉइंट करना है, तो यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे उसका स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाता है। ये सब चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। लेकिन उससे यस पहले मैं चाहूंगा कि आप जो है अपने एंड से चार्ट की थोड़ी सी उलट पुलट कर ले, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, छेड़छाड़ कर ले।